पेट्रोल डीजल टैक्स में दी गई छूट वापस लेने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने फैसले को बदलने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के बाद जनता की जेब पर दोहरा डाका डाला है। केंद्र सरकार ने बजट में पेट्रोल डीजल में सेस लगा दिया है और भाड़ा बढ़ाने का भी काम किया है, जबकि राज्य सरकार ने टैक्स में छूट वापस लेकर प्रदेश के लोगों को महंगाई का तोहफा दिया है। आज पुतला फूंकने का कारण जो है, जो हमारे 5 तारीख को जो बजट पेश हुआ था केंद्र सरकार द्वारा, उसमें जो 1% जो इन्होंने सेस लगाया था पेट्रोल और डीजल पे, पहले तो 5 दिन पहले इन्होंने हमारा पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, जिससे हम जो किराया भाड़ा था ट्रकों में वो महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, उसको लेकर के हमने पहले इनका विरोध किया। आज उत्तराखंड की सरकार ने कल अपने जो रियायत थी वो खत्म कर दी है और 2.50 रुपये फिर पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, जिसके कारण जनता यहाँ त्रस्त है। उसको लेकर के कांग्रेस जन यहाँ चौकनपट में एकत्रित होकर के आज प्रदेश सरकार त्रिवेंद्र सरकार का पुतला यहाँ पर दहन किया गया है। क्या मानना है, चुनाव खत्म, इन्होंने चुनाव से पहले तो रियायत दी थी और चुनाव समाप्त होने के बाद इनको जब बहुमत बल्क में मिल गया है तो ये अब महंगाई दर बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल में हो, महंगाई में हो, सारी चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसको लेते हुए कांग्रेस आक्रोशित है, रोड पर उतरी है और हमेशा इनका विरोध करते रहेगी, क्योंकि जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी। लाइव उत्तराखंड के लिए अल्मोड़ा से MD खान की रिपोर्ट।